अभी भी आपके चेहरे पे शिकन नहीं, कैसे देखते हैं इस परिणाम को? सरकार शिकन वाली तो कोई बात ही नहीं है कि झापा विधानसभा की जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया। अभी भी आपके चेहरे पे शिकन नहीं, कैसे देखते हैं इस परिणाम को? प्रदेश में सरकार बनने की खुशी है? शिकन वाली तो कोई बात ही नहीं है कि झापा विधानसभा की जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया। लगभग 90,000 के करीब वोट दिया। मैं हमारे समाज भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने पूरी जी जान लगाकर मेहनत करी, और उन मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। जहाँ तक चेहरे या शिकन की बात है, ये राजनीति है, 5 साल का गेम है, फिर लड़ेंगे। अच्छा करा, जनता का आशीर्वाद है, बढ़िया भाई। अब सब जानते हैं कि ये चुनाव कांतिलाल जी भूरिया विक्रांत हार चुके थे, लेकिन आखिरी दिनों में उन्होंने जो हथकंडे अपनाए थे, एक तो खुद की गाड़ी फूटवाई और आरोप हम पर लगवाए। अगर गाड़ी फूटती तो रात को 1 बजे आप वहाँ क्या कर रहे थे? दूसरी बात, 1 बजे आप वहाँ वो होने के बाद फिर आप आपके ये उस का सिर में मामूली चोट करके उसकी पट्टी वट्टी डॉक्टर खुद लगा के आरोप लगा दिया, उसका भी कहती है। एक कांतिलाल जी का शुरू से एक स्टैंड रहा है उनका चुनाव में किस प्रकार से मतदाताओं को गुमराह करने का, उसी तरीके से उन्होंने ये गुमराह किया है। आखिरी दिनों में लोगों की मोटरें उठवाई, लाइट कटौती करवाई, उस वजह से कुछ मतदाता उसमें डाइवर्ट हो गए, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं एक बार फिर से आप सबका और उन मतदाताओं का भी धन्यवाद देता हूँ। कहीं ना कहीं भीतरघात कोई हुआ है आपको लगता है? देखिए, वो तो आप हम सबके सामने है, कितने लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रचार कर रहे थे, कितने बड़े बड़े पदाधिकारी कहाँ किस मंडल में जाके बैठक ले रहे थे। इवन एक पद पर रहते हुए कई लोग घर बैठे थे, ऑफिस में बैठे थे, उसका भी ये कहीं कहीं असर है। बाकी सभी लोगों ने जो जी जान से लगे थे, उन्होंने सबने अच्छी मेहनत करी, लेकिन कुछ हमारे जो पदाधिकारी थे, वरिष्ठ लोग थे, स्वार्थ की भावना के साथ जो चलने वाले थे, उन लोगों ने इस प्रकार का काम किया, उस वजह से ये कहीं ना कहीं परिणाम पर असर पड़ा है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, मैं उन सबको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ।